नमस्कार, मैं हूँ इसके मौर। आप देख रहे हैं हिंदी 7 न्यूज। प्रयागराज जनपद से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जुमे की नमाज के बाद भारी पथराव और की गई आगजनी। जिला अधिकारी संजय कुमार, एसडीएम समेत कई सुरक्षा कर्मी पथराव में हुए घायल। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से चली आ रही शांति बनाए रखने की अपील आज जुमे की नमाज के बाद ध्वस्त हो गई। खुल्दाबाद थाना क्षेत्र स्थित अटाला मस्जिद से नमाज अदा कर निकले लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पहले से तैनात आरपीएफ, पीएसी व पुलिस बल के जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन उपद्रवियों ने बच्चों को आगे कर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बचाव का हर संभव तरीका अपनाया, लेकिन बात नहीं बनी। पथराव में जिलाधिकारी संजय कुमार, एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने पीएसी की गाड़ी और बाइक में आग लगा दी, जिससे दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालात को नियंत्रण करने के लिए एडीजी समेत अन्य अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सलामुलैकुम तमाम शहर इलाहाबाद के रहने वाले मुअज़्ज़िज़ साथियों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात जिस तरफ हम सबको ले जा रहे हैं, वो हालात बहुत ही नाकाबिल गुफ्तगू हैं। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारा शहर इलाहाबाद और हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा अमन व आश्ती का पैगाम देता रहा है। लिहाजा हर शहरी की जिम्मेदारी है कि अपने शहर के तहफ्फुज़ और अपने शहर के अमन व शांति को बनाए रखने के वास्ते होश हवास को बरकरार रखे और उसके बाद कोई फैसला करे। हमें अपने मुल्क के क़ानून और अपने मुल्क की इंतज़ामिया के ऊपर मुकम्मल एतबार है। इंशाअल्लाह जो भी फैसला आएगा, उस फैसले को हम बसर व चश्म तस्लीम करेंगे। क़ानून को अपने हाथों में न लिया जाए और सुकून और इत्मीनान का माहौल कायम किया जाए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर आगे बढ़ता रहे।